बद्दी में मसाले बनाने वाली एक निजी कंपनी के नाम पर नकली माल तैयार करने वाली कंपनी पर शिकायत के बाद बद्दी पुलिस ने छापेमारी की। मसाले बनाने वाली कंपनी के संचालक ने एसपी कार्यालय बद्दी में एक शिकायत पत्र दिया था, जिसके आधार पर शुक्रवार को थाना प्रभारी बद्दी ने अपनी टीम के साथ दबिश दी। छापे के दौरान कंपनी से मसाले के नाम पर तैयार मसालों के पैकेट के साथ लेबल वाली डिबिया भी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मसाला कंपनी के संचालक राजेश कुमार जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कंपनी वर्ष 1992 से मसाले तैयार करती है। कुछ समय पहले शिकायत मिली कि उनके मसाले में खराबी है, जिसके बाद उनके द्वारा जब जाँच की गयी तो पाया गया कि उनके कंपनी के नाम से कोई और उद्योग मसाले बना रहा है। कुमार जिंदल हूँ और रुचि ब्रांड का हमारा पूरा परिवार ओनर है। 1992 से हम ये ब्रांड बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से हमारे को कई बार अवार्ड्स मिल चुके हैं। सारा हिमाचल की सरकार जानती है रुचि ब्रांड की एक मार्केट में कितनी बड़ी इमेज है। उस इमेज को एनकैश करने के लिए इन्होंने हमारा नकली पैकिंग मटेरियल बनवा लिया, हमारा कॉपीराइट, हमारा लोगों का डिजाइन सेम बना लिया, ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके और हमारे ब्रांड की रेपुटेशन को ये एनकैश कर सके। उसमें इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स डाल के दे रहे हैं। मार्केट से हमारे को कंप्लेंट आनी शुरू हो गई है। अभी रुचि की माल में प्रॉब्लम आ रही है। जब उसकी तह में पहुंचे तो हमें पता लगा भी हमारा नकली माल मार्केट में बन रहा है, और उस माल की तहकीकात करके हमारे को भी वाकई कौन कर रहा है ऐसा हमने पुलिस में कंप्लेंट दी थी, जिसमें अंडर सेक्शन 63 पुलिस के पास पावर है गलत माल बनाने वाले को अंदर करने की। हमने 4 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दी है, अनिल सिंगला, उनके 2 बेटे वरुण सिंगला और चिंतन सिंगला, साथ में जो प्रिंटर है चंडीगढ़ में इनके, जिसने डब्बियां छापी हैं, उस जिसका हमें पता लगा था उसने छापी है, हम चारों के खिलाफ कंप्लेंट की है। अब पुलिस ने आज दबिश की है, अब नतीजा आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या है, माल बरामद हो चुका है, ये हमने देख लिया है, पुलिस ने भी देख लिया है। इनके पैक माल भी पड़ा है, अनपैक माल भी पड़ा है, पैकिंग मटेरियल भी इनकी फैक्ट्री में मौजूद है। 170 MMD ग्लोबल फूड्स के नाम से प्लॉट है, जो कि हमारा नकली माल बना के हमारी रेपुटेशन को अनकैश करना चाह रहे हैं। तो एक महीने से पता लगा, लेकिन जब तक कोई प्रूफ ना हो तब तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमें प्रूफ इकट्ठे करने में जो समय लगा, हमें सारी तहकीकात कर ली, मार्केट में माल दिखा, हमने माल पकड़ा, फिर प्रिंटर का पता किया किसने छापी है, उसके बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट की है कि सर हमें नहीं पता कितने समय से बना रही है, हमें अभी सूचना मिली, कंप्लेंट आने शुरू हुई थी पिछले 2 महीने से, लेकिन जब हमने देखा तहकीकात की तो हमें पता लगा प्रिंटर ने अभी डब्बियां के 9वें महीने में छापी है, सितंबर के महीने में प्रिंटर ने डब्बियां, जिस प्रिंटर का हमें पता लगा, बाकी किसी और से छपवाई है तो उसका हमें नहीं पता। सितंबर के महीने से हमने जो है ये डब्बियां पकड़ी हैं प्रिंटर के यहाँ से, उसके बाद हमने कंप्लेंट तैयार की, मार्केट में माल जा रहा है, पार्टियों को खुले मैसेज भेज रहे हैं, रुचि का माल हम देंगे, रुचि का माल हम देंगे, और पार्टियां भी ये बात को बोल रही हैं, भैया तुम अपना माल दो, दूसरे ब्रांड का माल क्यों देते हो। सर, प्रशासन से और सरकार से क्या मांग है? प्रशासन और सरकार से हमारी यही मांग है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और आदमी ऐसा गलत काम करने की हिम्मत ना करे। वहीं SHO बद्दी राकेश रॉय ने पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश दी, जिसमें कंपनी के नाम से मसाले के कुछ सैंपल मिले हैं। पुलिस ने डुप्लीकेट मटेरियल को सीज कर कॉपी राइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। यहाँ ये दिनेश जिंदल के माध्यम से शिकायत की गई थी थाने पर, जिस पर की कॉपीराइट एक्ट और 420 भारत दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और पंजीकृत गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यहाँ पे आए थे, और यहाँ से कुछ सैंपल्स वगैरह हमें ये रुचि ब्रांड का एक डिस्प्यूट है इसके संदर्भ में शिकायत है, लेकिन ये तो तफ्तीश प्रगति कर रहे हैं इसका भी विशेष। ये भी ऐसा जब सैंपल्स मिले हैं शिकायत के आधार पर उसे सीज किया है, उसके बाद जो ये साक्ष्य एकत्रित करने के बाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।